हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आपने पहले मैम का रिव्यू देखा था पीसीओडी का, लेकिन इस टाइम पे हम जो मैम का रिव्यू लेने जा रहे हैं वो है पाइल्स का। तो सबसे पहले हम मैम से जानेंगे कि उनको ये प्रॉब्लम कितने टाइम से थी और उनको यहाँ पर आकर उसमें कितना रिलीफ मिला है। नमस्कार मैम। नमस्कार। तो मैम, आप मुझे सबसे पहले तो ये बताइए, क्योंकि लास्ट टाइम हमने ले लिया था रिव्यू कि आपको पता कैसे चला हमारे बारे में, तो फिर भी एक बार जो नए लोग जुड़े हैं उनके लिए आप बता दीजिए कि आपको हमारे बारे में कैसे पता चला। मुझे आपके बारे में आपकी व्लॉग्स आते थे उससे पता चला था, और कुछ शायरी वायरी सुनते थे उस टाइम पर, टिकटॉक वाले टाइम से। तो फिर धीरे धीरे मैम के बारे में पता चला। फिर मैं यहाँ पे मेन जो आई थी पीसीओडी के लिए, वो मेरा बिल्कुल ठीक हो चुका है। कितने टाइम पहले आपने मेडिसिन ली थी, स्टार्ट की थी मेडिसिन? मैंने लास्ट ईयर नवंबर में स्टार्ट की थी। हाँ। और आपने मेडिसिन स्टॉप कब की है पीसीओडी की? पीसीओडी की मेडिसिन मैंने, मतलब मुझे अब 5 to 6 months हो चुके हैं उसको छोड़े हुए, तो मतलब लास्ट मैंने लिया है। आपने 2022 में लिया था? हाँ, नवंबर 22 में लिया था। हाँ। और आपने छोड़ा है जून जुलाई में? हाँ, जून अगस्त तक मेरी लास्ट पीसीओडी की चली थी, उसके बाद से मैंने अभी तक कुछ नहीं लिया है, लेकिन मेरे पीरियड्स रेगुलर हैं और बिना किसी मेडिसिन के, तो वो सबसे अच्छा। और आपने अल्ट्रासाउंड करवाया था जो लास्ट मैम ने बोला होगा, तो बिल्कुल रिपोर्ट्स क्लियर आई हैं? हाँ, बिल्कुल कुछ भी नहीं। और मतलब पीरियड्स वगैरह में भी कोई भी दिक्कत नहीं है? ऐसी कोई मेडिसिन छोड़ने के बाद आपके सामने मैम बैठी हुई है, 6 महीने हो चुके हैं, कोई साइड इफेक्ट ये भी नहीं कि दोबारा हो गई, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है? ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। इवन मतलब मुझे इस चीज़ की प्रॉब्लम भी नहीं होती। और सबसे मेन चीज़, मतलब जो डेट होती है ना, कि फॉर एग्जांपल अगर 20 को आने, तो नेक्स्ट मंथ वो 20 को ही आ रहे हैं, तो वो वाली चीज़ है। इस चीज़ पे ना मैम, हमने एक जोश टॉक पे भी हमारा एक पॉडकास्ट आया था, जिसमें हमने फीमेल अवेयरनेस के लिए इन सारी चीज़ों पर हमने बात भी की थी। तो बहुत सारे लोगों के मन में ये क्वेश्चन होता है, क्योंकि मैं कमेंट्स जब देखता हूँ ना, यार दवाई तो ले रहा हूँ, क्या पता दवाई छोड़ने के बाद दोबारा से हो जाए, ये डर होता है। ये मुझे भी था, ये आपको भी था? हाँ, बिल्कुल। और ये नेचुरल भी है? हाँ, बट अब है, मैं कह सकती हूँ ऐसा कुछ नहीं होता अगर यहाँ से लिया है तो। उसके बाद अब मुझे इतना टाइम हो गया, तो वो वाली चीज़ है कि अभी भी मुझे हो रहा है, तो वो एक ट्रस्ट बन चुका है। अभी प्रॉब्लम है, इस टाइम पे आपको पाइल्स की प्रॉब्लम थी, ये कितने महीने पहले इसका ट्रीटमेंट शुरू हुआ था? पाइल्स की प्रॉब्लम ना, मतलब मुझे ऐसे हुई थी कि मुझे मेरा स्टोन का ऑपरेशन हुआ था, गॉल ब्लैडर। ओके, ठीक है। तो उसके बाद क्या था कि वो धीरे धीरे स्टार्टिंग में कॉन्स्टिपेशन था, मुझे लगता था कि वो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, तो डाइजीन ले लिया, 2-4 जो मेडिसिन किसी ने बताई वो ले ली। फिर वो धीरे धीरे जब मैम के पास मैंने आना स्टार्ट किया, मैंने मैम को बताया, तो मैम ने कहा हो सकता है कि आपको थोड़ा कॉन्स्टिपेशन को, फिर मुझे इंटरनली कुछ चीज़ें ऐसी फील भी होने लगी, तो मैंने उस चीज़ के लिए मैम से कंसल्ट किया कि अब मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि वो पाइल्स का भी है। तो उसका मेरा ट्रीटमेंट, आई थिंक वो मेरी थोड़ी सी लापरवाही थी कि मैंने बीच में मेडिसिन स्किप करी, क्योंकि मेरा मेन फोकस था पीसीओडी का। लेकिन जब मुझे ये प्रॉब्लम ज़्यादा होने लगी, तो तब मैंने फिर पाइल्स का भी रेगुलर किया, अब मेरा वो भी एकदम मतलब चीज़ें ठीक हो चुकी। कितने महीने में ये आपका ठीक हुआ है? पूरा मेरा ये ठीक हुआ है, आई थिंक 6-7 months तो मुझे 6-7 months लगे हैं। हाँ। अच्छा, क्योंकि आपका पीसीओडी का आपका यहीं पे चल रहा था, तो आपके दिमाग में कोई सेकंड थॉट नहीं आई कि पाइल्स का मैं किसी और के पास जाऊं? नहीं, क्योंकि एक वो ट्रस्ट बन चुका था कि मैम के पास ही है। अच्छा मैम, ये हुआ डेवलप इस वजह से था क्योंकि आपका स्टोन का ऑपरेशन हुआ? हाँ। था, देन वो कॉन्स्टिपेशन, क्योंकि बहुत सारे लोग ना इन चीज़ों से फिर रिलेट कर पाएंगे। हाँ। कि ये हिस्ट्री ऐसे भी आ सकती है आपको, कि आपका कोई ऑपरेशन हुआ, आप मेडिसिन थोड़ी हार्श ले रहे हो, बिल्कुल वो कॉन्स्टिपेशन में कन्वर्ट होता है, देन इट कैन लीड टू पाइल्स। अच्छा मैम, आप ये तो मैं आपसे पूछूंगा ही नहीं, आपको पास ना मैम से मिलके कैसा लगता है? वो तो मतलब बहुत ही अच्छा है, एक ऐसा लगता है मैम से बात हो रही है ना। हाँ। तो वो एकदम कंफर्टेबल, कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी चीज़ें शेयर कर सकते हैं, पता नहीं ऐसा क्यों है। ठीक है। और इवन मेरी जो सिस्टर है ना, वो तो कहती है मैं मैम को देख के ना ऐसा हो जाता है, तो मुझे क्या बात करनी है। अच्छा, वो शर्मा रहे हैं अभी। अच्छा, और ट्रीटमेंट भी एक्सपेंसिव आपको नहीं लगा? ये हमारी लास्ट टाइम इन सारी चीज़ों पर बात हुई थी। अच्छा मैम, एक चीज़ आप मेरे को ये बताइएगा कि जैसे मार्केट में बहुत सारी मतलब चीज़ों को लेके एक नेगेटिविटी है कि आयुर्वेदा बहुत स्लो वर्क करता है, मतलब एक जिसमें सबसे कॉमन क्वेश्चन है, तो आप इस बात पे क्या कहना चाहोगे? क्योंकि आपको 2 major problems रही हैं, एंड अगर आप मेरे से पूछो कि इनका क्या ट्रीटमेंट है, अगर मैं मेडिकल बैकग्राउंड से अगर नहीं होता, तो मैं आपको ये कहता जी इसमें सर्जरी ऑप्शन है। आप, मैं सही कह रहा हूँ? तो क्योंकि आयुर्वेदा को लेके ये मिथ है कि बहुत स्लो काम करता है,
नहीं, तो उस पे आप क्या कहना चाहोगे? अगर ऐसा होता तो मैं यहाँ पे अपनी हर प्रॉब्लम्स के लिए नहीं आते। सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि मैंने ये चीज़ें खुद पर्सनली देखी है, हाँ, कि अगर मुझे एक प्रॉब्लम हुई है तो वो मुझे इवन विदिन वन मंथ के बाद मुझे लग रहा है कि मेरे को रिलीफ मिल रहा है उस चीज़ में। तो अगर वो स्लो है तो फिर तो मुझे कभी वो चीज़ पे ट्रस्ट होता ही नहीं। आपको हर मंथ आपको थोड़ा थोड़ा रिलीफ आपको फील हो रहा है, वो आपको आराम मिल रहा है सारा। और एक छोटी सी चीज़ है, अगर हमें कोई बीमारी भी होती है तो ऐसा तो है नहीं ना कि वो एकदम अचानक से बहुत बढ़ जाती है, धीरे 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 होती है। तो अगर आप ट्रीटमेंट भी ले रहे हो तो आराम आपको धीरे धीरे ही मिलेगा, बट ये भी नहीं है कि एकदम ही स्लो प्रोसेस चल रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन हर एक चीज का ठीक होने का एक टाइम पीरियड होता है। लेकिन मैं यहाँ पे मैम की बातों में एक चीज और ऐड करूंगा कि हो सकता है कि मैम कुछ पेशेंट्स पे बहुत स्लो वर्क करे। जैसे हमने अभी एक रिव्यू लिया था, उन मैम को रिजल्ट दिखने में ही 5वां महीना लगा था। यहाँ पे क्योंकि एक फैक्टर और बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वो होता है आपकी बॉडी कैसे एब्जॉर्ब कर रही है मेडिसिंस को। दूसरा, आप किस एरिया में रह रहे हो वहाँ का इन्वायरमेंट भी रोल प्ले करता है। अब जैसे आप कॉन्स्टिपेशन की बात करो तो कई लोगों को कॉन्स्टिपेशन पानी से भी हो जाता है। एग्जैक्टली, आज मुझे मैम ने यही चीज़ बोली कि हो सकता है कि आपको जो और दिक्कतें जो चीज़ें चल रही है वो इस वजह से नहीं है कि आप खाना पीना है, हो सकता है आपका पानी का फर्क हो। पानी मतलब ये पानी भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर बहुत हार्ड वाटर आप पियोगे तो वो भी आपको कॉन्स्टिपेशन करता है, आप मॉर्निंग में फ्रेश नहीं हो पाओगे। तो मतलब ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन कहीं ना कहीं वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। तो आपका ये चीज़ तो क्लियर हो गया कि आयुर्वेदा स्लो वर्क करता है या नहीं करता। अच्छा, दूसरा एक बहुत कॉमन मिथ है कि लोग बहुत कमेंट करते हैं और जिस चीज़ से हम परेशान भी हैं कि आपका ट्रीटमेंट बहुत एक्सपेंसिव है। एक्सपेंसिव तो बिल्कुल भी नहीं है। अगर एक नॉर्मल सी चीज़ है, आप एलोपैथिक लेने जाते हो तो उनका क्या होता है कि कंसल्टेशन फीस जो होती है वो उनकी मिनिमम आज के टाइम में 1500 है, ठीक है। उसके बाद वो मेडिसिन आपको 1 मंथ की या 2 मंथ्स की एक साथ नहीं देंगे, वो आपको 15 डेज की देते हैं। 15 डेज के बिल्कुल। और वो एक मेडिसिन आपकी नाना करती भी आपकी 2500 से 3000 की आएगी। और वही अगर आप ओवरऑल 1 मंथ का यहाँ पे देखो तो आपको उससे कम का ही पड़ेगा, तो वो एक्सपेंसिव नहीं है। लेकिन वही होता है कि एक साथ देने में हमें लगता है कि यार ये तो बहुत ज़्यादा है, तो ये मार्केटिंग स्ट्रेटजी। तो मैं इसमें यही एक एग्जांपल देता हूँ कि अब सपोज करो कि 1 GB जो डेटा आता है वो 20 रुपये का आता है। अगर आप डेली 1 GB रिचार्ज करोगे तो 600 रुपये का पड़ेगा, बट जो महीने की 28 दिन का जो पैक आता है वो आपका 350 रुपये का आता है। तो ये डिफरेंस है कि जब एक बार हम पे करने जाते हैं तो हमें लगता है कि यार बहुत ज़्यादा है, पर आप देखो ना, पूरी लाइफ के लिए आप उन प्रॉब्लम से वो हो जाते हैं। क्योंकि हम देखो, आप PCOD था, आपको पेन भी बहुत रहता होगा, आप वो चीज़ें शायद किसी और से एक्सप्रेस करो भी तो वो समझ भी नहीं सकता है। लेकिन अब आप देखो ना कि आप बिल्कुल एक रिलैक्स हो, आपको इन प्रॉब्लम से अब आप अपने काम पर ध्यान दे सकते हो। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन मैम, कि आप और लोगों को क्या एडवाइस देना चाहोगे डॉक्टर उपासना वोरा के ट्रीटमेंट के बारे में? सबसे मेन चीज़ तो ये है कि मतलब अगर देखो, डायरेक्ट आपको ट्रस्ट नहीं होता किसी भी बिल्कुल चीज़ नहीं होता, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल भी नहीं होता। तो आप एक बार पर्सनली आओ, एक मतलब कुछ ना करते भी एटलीस्ट 2 मंथ का ट्रीटमेंट लो, तो आपको खुद से ही लगेगा। जैसे मैं थी स्टार्टिंग में, मुझे भी ऐसा कोई ट्रस्ट नहीं था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो मुझे लगता था कि ठीक है, ट्राई करते हैं, जहाँ इतनी सारी जगह गया वहाँ एक जगह और। तो यहाँ पे आने के बाद ना, 1 मंथ के बाद ही मुझे ऐसा लगता था कि मुझे ना, पहले क्या होता था कि हर टाइम मुझे ऐसा लगता था थकान हो रही है, लेकिन वो 1 मंथ की मेडिसिन के अंदर मुझे लगने लगा कि ठीक है चीज़ें। तो वही है कि आप जब तक किसी चीज़ को ट्राई नहीं करोगे ना, तब तक आपका उस पर ट्रस्ट बनेगा ही नहीं। मैं आपको कह लूँ, सर कह रहे, कोई भी 10 लोग कह ले, तो आपका यही होता है कि ऐसा तो है ही नहीं। जब तक आप नहीं करोगे वो चीज़ें नहीं हो सकती, बिल्कुल भी। मैं आपको ना इसमें एक बात ऐड करता हूँ कि जब मैं, शादी नहीं हुई थी मेरी एंड मैं डॉक्टर उपासना से मिला, तो ये हमेशा कहते थे, मैंने ना ये पेशेंट ठीक कर दिए, ये पेशेंट ठीक कर दिए, तो नई नई मुलाकात हुई थी। मैं आपको बताता हूँ, अपने मन की बात बताता हूँ, मैंने कहा यार बड़े बड़े डॉक्टर नहीं ठीक कर पा रहे, ये कह रही है मैंने ये ठीक कर दिया। ये मैं आपको बहुत एक ऑनेस्ट बात बता रहा हूँ कि एक डाउट क्रिएट होना बहुत लाजमी है, क्योंकि हमने डॉक्टर को लेके ना, हमारे दिमाग में क्या आता है यार, एक वो साड़ी में बैठी होंगी और इधर इधर से जैसे मांग निकली होगी, यहाँ पे बाल सफ़ेद होंगे, चश्मा ऐसे होगा, ये आता है जैसे हम जाते हैं बहुत खड़ूस टाइप में, लोग ऐसा डिफाइन करते हैं। हाँ। वो यहाँ के वीडियोस में ही यहाँ बताते हैं कि बहुत हमें ऐसी एक र्यूड सी पर्सनैलिटी उन्होंने डॉक्टर्स के साथ जोड़ दिया, लेकिन यहाँ पर वो देख रहे हैं, कई लोग आगे बताए यार बच्चा बिठा रखा है, बच्ची सी बैठी है। तो ये बता रहा हूँ मैं आपको कि जैसे हम आपके सामने इसीलिए वीडियो फॉर्म में रिव्यूज़ लेके आए,
ताकि आप लोग विश्वास कर पाओ। और पता है एक चीज़ और भी होती है, जैसे बहुत से डॉक्टर्स ऐसे मैंने देखे हैं कि नॉर्मली क्या होता है कि पेशेंट को कोई उनकी चीज़ें बतानी है, मेडिकल हाँ, चीज़ें कुछ भी बतानी है, तो वो ऐसे टर्म्स का यूज़ करते हैं कि जिससे पेशेंट को समझ में ही ना आए कि वो क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं। और फिर एक होता है कि वो हेजिटेशन होती है, पूछते हुए अच्छा नहीं लगेगा। बट मैम का क्या है, कोई भी चीज़ें एकदम रियल खुल के बतानी है, भले ही जिस चीज़ मतलब जिस लैंग्वेज में तुम समझ पाओ वो वाला है, तो वो बेस्ट है। हाँ जी मैम, और ये इनके अंदर कहाँ से आई मैं आपको बताता हूँ। आज जोश टॉक पे जो इनका इंटरव्यू आएगा ना, वो इन्होंने बता रखा है कि वो हैबिट इनकी कैसे डेवलप हुई कि जो पेशेंट आ रहा है उसके साथ मुझे किस तरीके से बात हाँ। करनी है। तो वही सारी चीज़ें हैं कि आज यहाँ पे मैम बैठी हैं, इनकी पीसीओडी और पाइल्स दोनों ठीक हो चुके हैं। पीसीओडी का पहले ही ऑलरेडी रिव्यू अपलोडेड है, पाइल्स का हमने आज रिव्यू दिया है। अब मैं तो बस यही कहूँगा कि मैम अब आप बिल्कुल खुश रहो हाँ। अपनी लाइफ आप एंजॉय करो, जो आपकी प्रॉब्लम्स थी वो सारी खत्म हो चुकी हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और ऐसे ही आप और लोगों को भी हमारे बारे में बताना। जैसे मेरी सिस्टर हाँ। मेरी सिस्टर भी अभी यहाँ पे, मतलब उसको भी है कुछ प्रॉब्लम्स, तो वो भी आ रही है, वो भी आ रही है। और वो मेरा देख के कि आप ठीक हो गए, मैं भी ठीक हो जाऊंगी। मतलब ये एक विश्वास होना स्टार्ट हो जाता है। और हमने वही कहा ना कि जैसे जैसे लोग ठीक होते जा रहे हैं ना मैम, वो ना यहाँ पे अपनी फैमिली के और लोगों को लेकर आ रहे हैं, कजन्स को लेकर आ रहे हैं, अपने पेरेंट्स को लेकर आ रहे हैं। और ये आज हम लोगों ने प्यार कमाया है सिर्फ और सिर्फ, एक मैं बात करूंगा जो हमारी ऑनलाइन ऑडियंस है, क्योंकि उन्होंने हमारी वीडियोस को भी बहुत प्यार दिया है। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू सो मच मैम, आप बस ऐसे ही हेल्दी रहिए।